अजीज, मेरे बेटे अजीज, अजीज बेटे, ये खुशी की रात है, यहां गुस्से की गुंजाइश नहीं है बेटे। मैं गुस्से में नहीं हूं। आजा आजा अजीज, ये देखो बहुत सारे मेहमान आए हैं। मार्कस, चौधरी साहब, मगर तुम्हारी जगह मुकर्रर और महफूज है, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं घर में दाखिल नहीं हूँ। क्यों बेटा? बाबा, सालों साल मैंने आपकी खिदमत की, कभी आपकी नाफरमानी नहीं की, कभी नहीं, लेकिन मुझे तो कभी एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया। लेकिन जब आपका यह बेटा लौटा, जिसने फिर सारी दौलत हजारी औरतों पर लुटा दी होगी, तो तूने बछड़ा सिबा की। गौर से सुनो, ये बड़ी संजीदा बात है सलमा बेटी। तेरा भाई बाजारी औरतों की बात करता है। मूसा के कानून के मुताबिक कैसा बेटा संसार होने के लायक है? ये मामला बहुत खतरनाक है। अजीज, यहाँ पर बाजारी औरतों का लफ्ज किसने इस्तेमाल किया? आप तो अभी तशरीफ लाए हैं, कोई नहीं जानता सलीम ने पैसा कैसे जाया किया। बेटे, मेरे प्यारे अजीज, तू तो हमेशा मेरे साथ है अजीज, फिक्र न कर, तेरी मीरास मौजूद है। मैंने तेरी अंगूठी तेरे हाथ से नहीं ली, बिल्कुल नहीं, ना ही तेरा लिबास लेकर उसे पहनने को दिया। मैंने उसे अपनी मिल्कियत से दिया है, जैसे मैं तुझे देता हूं मेरे बेटे, उसे भी फराख दिली से दिया। अजीज बेटे, ये खुशी का मौका है, हमें खुश होना चाहिए, हम सबको। तेरा भाई मर चुका था, मैंने उसे जिंदगी दी, वो खो गया था, आज मैंने उसे तलाश कर लिया है बेटे, मेरे साथ खुशी मना। खुश आमदेद खंजीरों के रखवाले, तो बाप का लिबास भी पहन लिया, तो अब हमारे कपड़े भी नाबाक करेगा। जो चाहो कहो अजीज, चाहो तो मुझे मारो, मगर मेरे जाने से पहले मेरी एक बात गौर से सुन लो। एक बार उम्मे समान अपना दीनार खो बैठी और उसने उसको तलाश करने की कीमत अदा की। इसी तरह अबू समान की भेड़ खो गई, उसने वीरानों में अपनी जान को खतरे में डालकर उसे तलाश किया। आज ही के दिन सारे गांव वालों की नजरों के सामने हमारे बाप ने मुझे तलाश करने की ऊंची कीमत अदा की। माजी में मुझे कुछ समझ न थी, हट धर्म था मैं। जब बाप को पस्त होते देखा, उसने खुद को पस्त किया मुझे पाने के लिए, तो मैंने अपना पाया जाना कबूल किया। अब वो वही कुछ सिर्फ तेरे लिए कर रहा है, वो तुझे पाने के लिए खुद को कुर्बान करता है, इसलिए कि तू बिल्कुल खो गया है। अजीज, बाप तुझे ढूंढ रहा है, उसे मिल जा, उसे कबूल कर। बात खूब, खंजीरों का रखवाला उस्ताद हो गया है, मुझे ना समझा, बहुत कह चुका है तू। अजीज बस करो अजीज, मैं जानता हूं तू नहीं चाहता कि मैं गुनाहगारों के साथ बैठकर खाना खाऊं, यही ना? तू क्यों नहीं समझता अजीज कि मैं अगर गुनाहगारों के साथ बैठकर खाना ना खाऊं, तो तुम्हारे साथ बैठकर भी नहीं खा सकता। मैं नहीं मानता। नासरत के यसू ने जब ये कहानी बताई, तो उसने इसको कोई इख्तिताम नहीं दिया। आज भी ये कहानी इख्तिताम के बगैर है। हम में से हर एक को इस कहानी में अपना हिस्सा मालूम करना और अपना इख्तिताम दरियाफ्त करना है। लेकिन अहम सवाल ये है, ऐसी महंगी मोहब्बत जो खुदा आपको देना चाहता है, उसका आपने क्या जवाब दिया है?